हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में अब वक्त है भारत के एक त्योहार पर अपडेट देने का। कोरोना संकट के बीच जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने 1 अगस्त को बकरीद मनाने का ऐलान किया है। कोरोना संकट के बीच बकरीद मनाने को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। ये है जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और इन्होंने ऐलान किया है कि 1 अगस्त को पूरे भारत में ईद उल अदा यानी बकरीद मनाई जाएगी। कोरोना काल में बकरीद मनानी चाहिए या नहीं, इसको लेकर राजनीति भी होने लगी। आपकी स्क्रीन पर ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बकरीद मनाने को लेकर जंग छेड़ रखी है। पहली तस्वीर समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग और दूसरी तस्वीर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सरधना से विधायक संगीत सोम की। सांसद शफीकुर रहमान ने कोरोना संकट के बीच बकरों के बाजार और मस्जिदों में मुसलमानों द्वारा सामूहिक नमाज अदा करने की सरकार से मांग की। बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहाँ से जानवर ला सके, उनकी कुर्बानी कर सके। उनको इसमें दोगाना शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाए तो वहाँ इसी कोरोना के खत्म होने के लिए हम लोग दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी सुनेगा इंशाल्लाह। सांसद बर्क ने कोरोना को खत्म करने के लिए मस्जिद में नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने की बात कही, लेकिन झूठ फैलाया गया कि सांसद ने कहा कि जब मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज पढ़कर दुआ मांगेगा तभी कोरोना भागेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के बाजार और मस्जिद में नमाज वाले बयान पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने बर्क को कानून के दायरे में रहने की सख्त हिदायत दे डाली। और ये मिस्टर रहमान को ये शायद भूल गए हैं कि उनके खाला की सरकार नहीं है, ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ये जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है, साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। बकरीद पर शुरू हुई जुबानी जंग अब अदालत पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। आपको पता है बलि जब कत्लेआम होता है, कत्ल होता है, तो ये खून जो है वो सीधे चला जाता है गंगा में और पॉल्यूशन भयंकर रूप से पॉल्यूशन फैलता है। तो ये सब के लिए हम मुसलमान भाइयों से भी आह्वान करेंगे कि आप आइए, आप एक सिंबॉलिक ऑर्गेनिक बकरीद मनाएं। तो इसीलिए हम लोगों ने पीआईएल किया है।